अस्सलामुअलैकुम एंड अदर डे एंड अदर होप। रात को हम आए थे फैसलाबाद और अब हमने वापस जाना है इस्लामाबाद, लेकिन उससे पहले जो है हमने जाना है कहीं आइसक्रीम शाइसक्रीम खाने। मेरा मूड कुल्फियों का है कि कुल्फी खाई जाए, और बाकी कह रहे हैं नहीं जी हमने आइसक्रीम खानी है। और अभी जो हमारी बाहर निकलती थी सामान रखने के लिए गाड़ी में, और इतनी सारी बतखें यहाँ पर, इतनी सारी, लेट मी शो यू, कोई मोर देन 50-60 होंगी। ये वहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, कहाँ गई? ये भी एक बतख खड़ी है, ये बतखू है एक पार्टी, ये टीम वन है, ये टीम टू है, वो सारी ओपोजिशन वाले। हम एक पार्क में आए हैं, पार्क्स वगैरह तो सारे बंद हैं, और यहाँ से जैसे हम आए जाते हुए बताएंगे कि हम यहाँ पे आए कैसे हैं। चिप खाने आए हैं, आए तो घर से आइसक्रीम खाते हैं, मतलब टाइम ज़ाया कर रहे हैं। पापा ने कहा था चलते हैं, मैंने कहा पापा इतने भी क्या जल्दी वापस, तो घर ही जाना है, रात तक जाएँगे। तो पापा लोगों से तो वेट नहीं होता था, हमने कहा हम बाहर जाएंगे ना, जब वापस ही आएंगे तो पापा से खुद ही वेट हो जाएगा। लग जाओ सारे। इस पापड़ से ना मुझे एक बार याद आ गई है, मैंने लिया था बचपन में, जब लिया तो अंकल कहते हैं बेटा लेके भागना नहीं। मैंने कहा इतने दूर, मैंने मामा मैं भागू ना, मैंने ये पकड़ा मैं भागी, आधा मेरा पापड़ वहीं, अंकल कहते आ गया वहाँ से। वो दिन और आज का दिन मुझे भूलता नहीं, और बसी ने भी यही काम किया, मोहित कहता लेके भागा फिर आधा गिरा है, बस ही बचा इतना था। 15 रुपए का हो गया अब ये। हाँ ये 15 रुपए। जब हम लेते थे तो 5 रुपए का मिलता था, तो ये तो आधे से ज्यादा, 5 के 2 भी मिलते रहे हैं। गेट कोरोना की वजह से पार्क बंद है, ये देखिए पार्क बंद है, बिल्कुल बिल्कुल कल नहीं खुलेगा पार्क, वैसे ही बंद है। अभी देखना जैसे हम गुजर के आए, मैं आपको दिखाती हूँ। एक बंदा मेरे पीछे रहे, चल चल मैंने पास ये ज्योमेट्री मैंने कुल्फी खानी थी, कुल्फी है पुरानी कुल्फी है, यहाँ स्पेशल हमने अपनी खा ली है, बाकी घर वालों से पैक करा ली हम, मजे किए यार काफ़ी। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर, फसी भी पीछे बैठेगा ना, अपने घर जा रहे हैं हम। बस जितने दिनों के भी आए ना इंसान, जाते हुए कहता है यार भी तो आए थे। अभी अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे मैं और मोइस पैदा हुए थे, उस इलाके में रहते थे, वो यही जगह थी। हाँ मकुआना। हाँ जी भाई, तू साइकिल चलाता था? स्कार्फ कॉलोनी। स्कार्फ कॉलोनी और मैं अपने, मेरी मोइस की बर्थ प्लेस यहाँ था, जहाँ आपने होश संभाला है वो था ग्रिड हाउस, जहाँ पे हमने कांचियाँ खेली है। क्या था वो? 5K 5। यहाँ पे मैं और मोइस पैदा हुए थे, हमारा बर्थ प्लेस है, इस घर में हम रहते थे। आपको थोड़ा बहुत याद है इसका, लेकिन हमें बिल्कुल भी याद नहीं है इस घर में। और जट्टी थी और यहाँ पे हमारे ना घर के बिल्कुल साथ हम साए होते थे, उनके साथ बहुत 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 अच्छी बॉन्डिंग होती थी। आप भी अपने घर से ज़्यादा ना उनके घर रहती होती थी, आप भी अपने घर से ज़्यादा उनके घर रहती होती थी। अभी हमें रास्ता सही पता नहीं है कि हम जो ना मतलब घर जाना है, हम सही जाए या नहीं, क्योंकि मुझे याद है हम इनके घर आए थे लास्ट टाइम, फसीद तो का बहुत छोटा था, जेल होंगी सी बच्चियां, 6-7 महीने का था। गाय का दूध लेने जाते होते थे तेरे पापा। वाह वाह, कभी कभी शाम को। बचपन की यादें, वो यादें जो हमें याद नहीं है, लेकिन अम्मा अब्बा को याद है। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, उसने उस घर में जहाँ रहते थे, किसी कहते मैंने वो देखना है, मैंने वो देखना है। आंटी कहती है, आंटी लोगों ने ना अपना क्वार्टर चेंज कर लिया, तो अब आंटी कहती है मैं तुम लोग को वहीं लेकर जाती हूँ जहाँ पे तुम लोग पैदा हुए थे। किसी कहते मैंने देखना है कहाँ रहते थे ये। ये जो कॉलोनी थी ये थी बापडा वालों की, बल्कि है अभी भी नहीं, अब नहीं, अब बापडा वालों की नहीं, अब किसी और के पापा बापडा में काम करते हैं ना। तो सबसे पहले जब मामा पापा की शादी हुई थी, तो ये लोग पता नहीं शायद जब फैसलाबाद शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ शिफ्ट हुआ था, तो मामा कहती हम अकेले होते थे, तो आंटी मिली, आंटी कहती है कि मेरे बच्चे जो है ना आपके घर आ जाया करेंगे, उन्हें ट्यूशन वगैरह पढ़ा दिया करना, तो बोर नहीं होंगे। फिर आप ही पैदा हो गई, तो फिर आप ही की ज़्यादा दोस्ती इनके बच्चों के साथ हो गई। फिर जब मैं और मोइस पैदा हुआ, तो फिर हम यहाँ से शिफ्ट हो गए, थे फैसलाबाद में, लेकिन इधर इस घर से शिफ्ट हो गए किसी और। आप ही अकेली होती थी ना, बच्ची थी जिसके यहाँ दिल लगता था, आंटी के बच्चे थे ज्यादा, तो आंटी उधर आप ही उधर जाकर खाना खाया करती थी, आप ही कहती थी तो मोहित बेइज्जती की बेइज्जती करी जा रहा है। मोहित कहता है अभी देखो अभी यहाँ पे तुम चलते चलते गिर जाओ एकदम से सबके सामने, तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी, तुम इस्लामाबाद से गिर जाओगे। मैंने कहा मोहित इस्लामाबाद के लोग गिरते नहीं है, कहते हमने इतने सारी इज्जत बनाई रखी है अपनी ना गिर के। वो तो 5 महीने के थे जब हम इस कॉलोनी से शिफ्ट हो गए थे, मैं थी थोड़ी बड़ी 1.5 साल की। आज हमने अपनी सारी बचपन की यादें दोबारा से ताज़ा करनी है। अभी हम आए एक और आंटी के घर, इनके घर में बचपन में काफी आया करते थे, बचपन में काफी आया करते थे। मुझे याद आया अभी यहाँ पे आके के मामा पापा ना इस इलाके में वोट डालने आते थे, तो पापा मामा के साथ मोइस गया था वोट डालने, और मैं पापा के साथ गई थी, तो वो अंदर कमरे तक मैं गई, तो मैंने पापा को कहा कि पापा सारों पे मोड़ लगा दे क्या होगा, पापा कहते नहीं वोट जाया हो जाता है ऐसे।
फिर मैंने वहाँ आके कहा हमने शेर को वोट डाला, मैंने इतना ज्यादा पापा ने मेरे मुँह पे आते, पापा कहते नहीं बताते होते, लड़ाई हो जाती होती है क्योंकि वहाँ पे सारे इलाकों के खड़े होते हैं। मैंने कहा पापा क्यों नहीं बताते होते हमने किसको वोट डाला, छोटे थे तो वापसी का सफर हम फिर उस जगह ना जा सके जहाँ हमने होश संभाला था और बचपन गुजारा था क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। हमने कहा बस अब चलते हैं वापस ऑन दी वे। अभी मैंने मेरे फोन कैमरा की भी बैटरी एंड है, फोन की भी बैटरी है वो 7-8% रह गई है। पावर बैंक मेरा चार्ज है लेकिन मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा पावर बैंक से, मोइज़ का भी हो रहा है, आपी का भी हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, मेरी डाटा केबल ख़राब हो गई है, मुझे इतनी टेंशन हो रही है, इतनी टेंशन हो रही है कुल ज़्यादा तो मेरा फ़ोन ही, और मुझे पता भी नहीं था कि डाटा केबल थोड़ी देर पहले तो अभी मैंने फैसलाबाद से चलने से पहले फ़ोन अपना फुल चार्ज किया था, रास्ते में स्टोरीज़ लगाती आई हूँ इंस्टाग्राम पर, फॉलो कर लीजिए अगर नहीं किया हुआ। मुझे इतना दुख हो रहा है कि यार पता नहीं घर अब 2 घंटे हैं अभी घर पहुँचने में, तो मुझे हो रहा है कि यार पता नहीं कब मेरा फ़ोन जो है ना होगा सही चार्ज होगा, मेरी बैटरी जो है ना मेरी अपनी बैटरी चार्ज होगी फ़ोन की बैटरी के साथ, क्योंकि यार पता नहीं क्या हो गया, शायद डाटा केबल उसकी ख़राब हो गई है या अल्लाह ना करे फ़ोन ख़राब हो गया। तो अच्छा था यहाँ पे आखिरी दफ़ा हम स्टे करेंगे, आखिरी स्टेज के बाद हमने सीधा घर ही जाकर दूसरा स्टे करना है, तो कुछ खाएँगे पियेंगे। पहले मम्मा कहती थी मेरा बर्गर खाने का दिल कर रहा है, अभी स्टे किया तो मम्मी कहती नहीं कुछ नहीं दिल कर रखा नहीं। KFC गए, KFC वाले कहते हैं हमारी लास्ट जो है ना वो 2 बजे तक होती है, 2 बजे नहीं है 1:30 हुआ है, कहते नहीं मतलब मैं यार मुझे तो लगता है मोटरवे पर 24 आवर इनकी सर्विस होती है, हाँ बहुत सुबह सुबह नहीं होती होगी लेकिन रात में तो होती है, लेकिन कहते नहीं। और फिर साथ में मैकडोनल्ड्स के तो बर्गर हमें पसंद ही नहीं है ना, फिर एक और था पता नहीं क्या सूफी शायद, वो जाके उनको पूछा कहते नहीं हमारी सिर्फ कॉफ़ी है। मैंने कहा इतनी नींद आई हुई है मुझे ऊपर तुम कॉफ़ी पिला दो, उल्टी आती ताकि कुछ भी अवेलेबल नहीं है यार, मुझे तो बड़ा ना गुस्सा चढ़ गया देख के। यहीं पर शायद ब्लॉग एंड हो जाएगा, घर चले जाएँगे हम, चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, हम बिस्किट शिस्किट खा लेते हैं, लेस खा लेते हैं, लास्ट ऑप्शन यही है हमारे।